और दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। सर्ट ट्रिक, ऐसी सर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये हर क्वेश्चन पे लागू होगी दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं इजिली तरीके से दोस्तों। ये ट्रिक आपके सभी क्वेश्चन पर कारगर है। तो दोस्तों इस ट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपका एंगल होता है दोस्तों। एंगल कितना है, 30, 60, 90, मतलब दोस्तों आपका प्रत्येक त्रिभुज का कितना टोटल एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। जब भी कोई त्रिभुज होता है दोस्तों तो उसके अंदर के कोणों का कुल कितना योग होता है दोस्तों। मान लीजिए उसका एक कोण, बी कोण, सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 डिग्री का होता है। तो जनरली आप जानते ही हैं कोण दोस्तों कि हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपका आपका समकोण त्रिभुज में बनते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता ही है। तो ये 90 का हो गया। अगर दोस्तों ये 30 का है तो ये कितने का मिलके आपका आ जाएगा, 60 डिग्री का निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ 60 है तो दोस्तों ये कितने का निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री का निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ 45 का रख देंगे तो 90 तो ऑलरेडी रहता है, एक फिक्स रखता है समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री हमेशा फिक्स है। तो अगर यहाँ 45 का है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। बस दो चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, कोण हमेशा 30, 60, 90 और 45, 45, 90 इतने का ही बनता है दोस्तों। ये सर्ट ट्रिक इसीलिए दोनों लिखी गई है दोस्तों। ये क्या है आपका, एक कोण का योग है। देखिए एक कोण का अनुपात है और दोस्तों ये भुजा का अनुपात है दोस्तों। जब आपको ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें एंगल 30 और 60 का दिया रहे तो उसके लिए क्या है दोस्तों, देखिए उसके लिए भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:3:2 दोस्तों। किसी भी एंगल के साइड की दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, हम भुजा, जो हमारा कोण होता है, कोण के सामने वाली क्या होते हैं दोस्तों, उसको स्मॉल ए से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल बी से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल सी से, सी कोण सी के सामने की कोण स्मॉल सी से भुजा को दर्शाएंगे, कोण ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से दर्शाएंगे, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से दर्शाएंगे दोस्तों। हमेशा आप याद रखिए कि भुजाओं को आप स्मॉल लेटर से दिखाते हैं और कोण को आप हमेशा, कोण या बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि मान लीजिए हमारी एक मीनार है, ये हमारी क्या है दोस्तों, एक मीनार है जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर दी गई है, 20 मीटर है दोस्तों, जिसकी हाइट क्या है, 20 मीटर दी गई है आपकी। तो इसको हम आधार मानते हैं, मीनार की हाइट हो गई और ये तिर्यक ऊंचाई आपको मानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन को आप जनरली सॉल्व करेंगे, जिस मीनार की हाइट 20 मीटर है तो आपको मान लीजिए यहाँ x मीटर, इसको आपको इसकी दूरी आपको बतानी है कि कोई व्यक्ति अगर मीनार से x मीटर की दूरी पर खड़ा होकर मीनार की चोटी को देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 30 डिग्री दोस्तों। यहाँ से खड़ा होकर देखने को मीनार की चोटी जो नीचे कोण बनता है उसको उन्नयन बोलते हैं, और ऊपर से देखने पर जो दोस्तों एक कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, अनुयन कोण बोलते हैं, अनुमान कोण। तो दोस्तों देखिए अगर आप इसको बेसिक मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, तो बेसिक जो मेथड होता है दोस्तों हमारा, टेन थीटा लेंगे तो टेन 30 डिग्री, क्योंकि हमको दोस्तों लंब और आधार में, आधार हमको चाहिए, लंब हमको पता है तो इसी में दोस्तों टेन लगाएंगे। इसलिए तो लंब बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब क्या है दोस्तों आपका, 20 मीटर आपका ऑलरेडी दिया गया है। आधार क्या है, 1 मीटर हमने मान के चला, हमको पता नहीं है, आधार हमको पता करना है। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, कर्णी में 1/√3, तो 20/, यहाँ x हो जाएगा। तो यहाँ से आप x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20√3। तो दोस्तों ये आपका आधार का मान निकल के आ चुका है दोस्तों। अब ट्रिक की हम बात कर लें, ट्रिक इस पर कैसे कारगर है दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना है कि एंगल कितने का बन रहा है। ये 30 का एंगल है तो 30 के सामने भुजा वाली भुजा कितना है, 20 मीटर है। अब देखिए भुजाओं का अनुपात हमको भुजा ही तो पता करना है, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ से लंबाई का मतलब क्या है, हमको इस भुजा को पता करना है। यहाँ से यहाँ की लंबाई का मतलब क्या है, हमको इस भुजा की लंबाई पता करना है। तो जनरली आपका भुजा दिया गया है 30, कोण 30 के सामने भुजा क्या है, 20 मीटर लंबी है। तो बाकी भुजाओं का अनुपात दिया गया तो 20 से बाकी सब में गुणा कर दीजिए। देखिए 30, 60, 90, इसका अनुपात क्या है, 1√3 और यहाँ क्या है, 2। तो दोस्तों अब देखिए कोण 30 के सामने वाले की कितना है, 20 मीटर है। तो यहाँ आप रख दीजिए 20 × 1 = √2√3 और इधर 20 × 2। अब देखिए क्या हो गई, कई सेकंड 20 सेकंड 20, तो दोस्तों ये 20 तो आपका ऑलरेडी आ चुका है। 20√3 ये कितना है, 60 डिग्री के नीचे वाली भुजा है। तो 60 के सामने वाली भुजा कितना है, 20√3। अब देखिए आपका आंसर वही आया निकल के, तो 20√3 हो जाएगी। और इसी तुरंत हम पता कर लेंगे 90 के सामने की, तो ये 90 के सामने की है दोस्तों, 90 के सामने का कितना, 20 × 40 मीटर, तो कितना आपका निकल के आई है, 40 मीटर। देखिए अब 90 के सामने की भुजा, इसका मान कितना आकर निकल के आ जाएगा, 40 मीटर।
दोस्तों देखिए ट्रिक कितनी कारगर है, आपका तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर देखते हैं और उस पर हम ट्रिक तुरंत अप्लाई करके बताते हैं, वो उसमें बेसिक मेथड हम नहीं लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ भुजा का, दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें एंगल कितना है, उन्नयन कोण कितना है, 60 का है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज है तो ऑलरेडी 90 हो जाएगा, तो ये कितने का मिल के आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री मिल के आ जाएगा। हमने आपको बताया क्या था दोस्तों, इसका अनुपात 30 60 90, इसका अनुपात क्या है, भुजा का अनुपात। दोस्तों हमको सारे कोण पता है, हमको भुजा सिर्फ पता करनी है। तो भुजा का अनुपात क्या है, ये आपका भुजा का अनुपात तुरंत, बस आपको भुजा का अनुपात याद होना चाहिए। तो हम दोस्तों लिख के आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको याद है तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके सामने 30 के सामने कितना है, 18 है, तो 18 करना 18, तो यहाँ 18 मीटर हो जाएगी, ये 18 मीटर निकल के आ चुकी है दोस्तों। और ये कितना हो जाएगी, 18√3 मीटर निकल के आ जाएगी जब गुणा करेंगे, और ये कितना निकल के जाएगी, 18 गुना के 36 मीटर। देखिए दोस्तों 90 के सामने की जो भुजा है, 90 के सामने की भुजा कौन है, ये वाली है, तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा, 36 मीटर। अब दोस्तों 60 के सामने की कौन भुजा है, इसका h, तो हाइट कितना निकल के आ चुकी है आपका, 18√3 मीटर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आपको क्या है, ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, रेशियो पता है तो आप आंसर को इस तरह से तुरंत क्लिक करने पाएंगे। दोस्तों आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ऊपर जो हमने आपको करके बताया सिंपल मेथड से। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं दोस्तों, 45 वाला एंगल, उस पर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये मीनार कोई है, वहाँ से मीनार के आधार से 25 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ए पे, ए बिंदु पे, वहाँ से देख रहा है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री का बन रहा है, तो आपको मीनार की हाइट बतानी है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कितने का दोस्तों, समकोण त्रिभुज आप जानते हैं ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ये कितने का हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए 45 45 90 90 और 180 मिल के हो जाएगा, टोटल हमको 180 होता ही है। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए हमने आपको बताया था सबसे ऊपर वाली ट्रिक, 45 संबंध 45 संबंध 19, ये कोण का योग है। दोस्तों जब ऐसे कोण का योग आ जाए तो इनके भुजाओं का योग क्या होता है, भुजाओं का संबंध क्या होता है, 1√2। दोस्तों आपको बस याद रखना है, दोस्तों आपको तीनों कोण मिल गए, तीनों भुजाएं पता करनी है, भुजाओं का मतलब भुजाओं का लंबाई है दोस्तों, तो हमें भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात इतना होता है दोस्तों, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। दोस्तों जब भी आपको इस वाले आकृति फिगर में जो हमें दिया गया क्वेश्चन, इसमें 45 45 90 का रेशियो है कोण का, दोस्तों ये भुजा का अनुपात का, कोण का रेशियो ये है, तो भुजा का अनुपात ये हो जाएगा आपका। हमको कोण दिया गया है, सिर्फ आपको भुजाएं निकालना है। तो देखिए दोस्तों अब देखिए 45 के सामने, इस 45 के सामने भुजा 25 मीटर है। अब देखिए जब ये 25 मीटर आ गई तो सब में क्या कर दीजिए, 25 25 से गुणा कर दीजिए, 25 गुणे एक करेंगे इधर संबंध है, 25 गुणे एक करेंगे इधर संबंध है, 25 गुणे √2 करेंगे। जब आप इतना करेंगे दोस्तों तो आपका मान क्या निकल के जाएगा, इधर 25 मीटर संबंध है, इधर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 25 मीटर, और ये कितना निकल के आ जाएगा, 25√2 मीटर। देखिए अब दोस्तों सिंपली क्या है, हाइट कितना आ गई आपकी दोस्तों, 25 मीटर। कैसे, क्योंकि दोस्तों ये भी एंगल आपका 45 के बना है, संबंध क्या है आपका, 1 संबंध 1, अगर ये 25 है तो ये भी आपका 25 आ जाएगा। और 19 के भुजा का अनुपात आया कितना है, 19 वाले एंगल के कोण ए के कोण बी के एंगल के सामने की भुजा कौन है दोस्तों, ये है, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका, 25√2। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम तुरंत पता कर लिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये ट्रिक बेहद ही कारगर है, सिर्फ दोस्तों क्या आपका ये वाले ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, कोण का अनुपात इतना है तो भुजा का अनुपात वाली ट्रिक आप याद रख लीजिए, एक का आपको इसमें पता हो गया, बाकी सब में आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, दोस्तों हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही ट्रिक के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।